हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सागर के अंगे चैनल पर। इसी के साथ शुरू करते हैं अपना नया वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज इन कनाडा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं उन टॉप यूनिवर्सिटीज में और कैसे हम जा सकते हैं बाहर पढ़ने के। आपको कनाडा में अप्लाई करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है DLI कनाडा करके, और यहाँ पर आपको सबसे टॉप में डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन लिस्ट मिलेगा। और जैसे ही आप क्लिक करोगे उस लिंक पर, आपको canada.ca के नाम से एक पर्टिकुलर URL मिलेगा यहाँ पर, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन लिस्ट। तो ये पेज जो है, ये स्पेसिफिकली आपको ये बताता है कि जब भी आप अप्लाई करोगे स्टडी परमिट के लिए, उस स्टडी परमिट के लिए आपको सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होगा उस इंस्टीट्यूशन से जहां पर आप एडमिशन लेते हो। आप एडमिशन कैसे लोगे वो मैं आपको बताऊंगा। एडमिशन के लिए सबसे पहले तो आपको 12th क्लियर करनी पड़ेगी। 12th क्लास आप क्लियर करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके साथ साथ IELTS एग्जाम देना पड़ेगा। IELTS एग्जाम में कम से कम आपको 6.5 बैंड्स चाहिए होंगे, या फिर अगर आप TOEFL देते हो, TOEFL में आपको 90 से 100 पॉइंट्स के लगभग आपको चाहिए होंगे। जैसे ही आप इन पॉइंट्स को गेन कर लोगे, आपके पास सर्टिफिकेट भी आ जाएगा 12th का, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाते हैं, तभी के तभी आप सर्च करना शुरू कर दो कि कौन से कोर्सेज में और कौन से यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करने वाले हो। कोर्सेज क्या होंगे? कोर्सेज विल बी बेस्ड ऑन योर चॉइस कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, किस तरह का कोर्स आप चूज करना चाहते हो। तो मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है, आपको डिप्लोमा करना है या फिर डिग्री करनी है। डिप्लोमा जो होता है वो लगभग 2 से 3 साल का होता है, 2 या 3 साल का। डिग्री जो होती है वो होती है 3 या 4 साल की। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर आप डिग्री करते हो तो आपका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, अगर आप डिप्लोमा करते हो तो लगभग आपका खर्चा थोड़ा कम आएगा, लेकिन उसकी वैल्यू आप समझ सकते हो। तो बेस्ड ऑन डिप्लोमा एंड डिग्री आप कौन सा चूज़ करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हो और कितने सीरियस हो अपने करियर को लेकर और अपनी एजुकेशन को लेकर, ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैं सीधे सीधे बताऊंगा कि डिप्लोमा के लिए कम खर्चा आता है और आपका डिप्लोमा जल्दी कंप्लीट हो जाता है और आप एलिजिबल हो जाते हो आगे वर्क परमिट लेने के लिए। और अगर डिग्री करते हो जब आप, तो डिग्री में आपको थोड़ा समय लगता है, एजुकेशन कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर हायर चांसेस हैं कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए और यहाँ पर एक बेटर करियर भी बन सकता है। आपकी मेहनत के ऊपर है, आप कितना मेहनत करते हो, आगे बढ़ते हो और पर्टिकुलर स्किल जो हासिल करोगे इन डिग्रीज और डिप्लोमा के बदौलत, एट द लास्ट ये डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पर, आपके रिजल्ट्स पर, आपकी मेहनत पर। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहूँगा, ये आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा कोर्स आपको चूज़ करना है। सबसे पहले तो आफ्टर गेटिंग रिजल्ट्स चूज़ द कोर्स विच यू वॉन्ट टू टेक। आफ्टर चूजिंग द कोर्स स्टार्ट सर्चिंग फॉर द यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो जो मैंने बताया था आपको डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन लिस्ट, इसका फ़ायदा क्या है? यहाँ पर इस पेज पर अगर जैसे ही आप जाते हो, इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि अगर जब आप अप्लाई करते हो स्टडी परमिट के लिए या फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होगा। एक्सेप्टेंस लेटर इंस्टीट्यूट की तरफ से चाहिए होगा कि आपको एडमिशन मिल चुका है। सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ब्रिटिश कोलंबिया में किसी भी कॉलेज को सर्च कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गूगल पे फाइंड आउट करा कोई पर्टिकुलर कॉलेज, और मैंने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था उस कॉलेज का नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे ही मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पर डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन नंबर आ जाता है। तो ये नंबर ये बताता है हमें कि ये वैलिड और ये एलिजिबल है आपको वर्क परमिट देने के लिए। यहाँ पर आपको यस मिल जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी यहाँ पर अवेलेबल है इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा। यहाँ पर इसका सीधे सीधे मतलब ये होता है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाती है, फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे एजेंट के पास जाते हो जो आपको एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताता है, वहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए कहता है, और आप यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हो, अगर वो यूनिवर्सिटी यहाँ पर
नहीं शो हुई तो ये समझ लेना कि वो यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं बहुत खराब है, एजुकेशन लेवल बहुत खराब है और वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है। आप ये ध्यान रखना कि आपको स्टडी परमिट तो मिल जाएगा लेकिन आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। पीआर तो छोड़ो, वर्क परमिट भी मुश्किल हो जाएगा आपको मिलना। तो मेक श्योर आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज का नाम यहाँ पर शो हो इस वेबसाइट पर। तो ये चीज़ ज़रूरी थी मुझे बतानी ताकि आपको पता लगे तो कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है कौन सी नहीं। तो अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज़, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ टॉप लिस्ट पर आती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, मैकगिल यूनिवर्सिटी, मैक मास्टर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियाल, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा। तो ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी है जो टॉप लिस्ट पर आती है, आप सर्च कर सकते हो गूगल पर। और मैं कहना चाहूँगा जैसे ही आप सर्च करते हो टॉप यूनिवर्सिटीज़ को, तो आप फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी को या फिर कॉलेज को सर्च करोगे, जैसे ही आप उनकी वेबसाइट पर जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता हूँ, यहाँ पर आप फाइंड आउट करोगे एडमिशन। तो एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले तो गो थ्रू करना है सभी नेविगेशन बार पर इन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है आपको। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन गेन करते हो इन यूनिवर्सिटीज़ से, तो आपको कुछ कुछ ऑप्शंस भी मिल सकते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप्स या फिर कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकते हैं जहाँ पर आपका एडमिशन फ्री में भी हो सकता है। आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं प्रोग्राम एंड कोर्सेज को चूज़ करता हूँ तो यहाँ पर आप कोर्सेज देख सकते हो कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। आप आर्ट सेक्शन की तरफ अगर देखो तो ये सब लिस्ट है आपको मिलेगी, पर्टिकुलरली आर्ट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म में जाना हो या फिर वेब एंड मोबाइल ऐप डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सीखना हो या फिर डिज़ाइन फॉर्मेशन, तो ये सारी कोर्सेज हैं जो आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कोर्सेज में आप एलिजिबल हो, अगर हो तो अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं तो आप छोड़ सकते हो। तो सीधी सी कहने की बात ये है कि मेक श्योर आपका जो कॉलेज है वो DLI के अंदर आना चाहिए। DLI मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस मिल जाएंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करना है, रीजन सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ने जाते हो, तो यहाँ पर आप, फॉर एग्जांपल मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम लेता हूँ, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी का जो DLI नंबर है वो शो होता है, और साथ के साथ मुझे ये भी पता लगता है कि PGWP एलिजिबल प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है। इसका मतलब जब आप पोस्ट ग्रेजुएट करते हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट करोगे, हो सकता है आपको करना भी पड़े, तो आप एलिजिबल हो जाते हो पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबल प्रोग्राम के लिए, जहां पर आपको वर्क परमिट मिलेगा वो 3 साल का होगा। वो 3 साल का वर्क परमिट आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मेन इन्फॉर्मेशन आपको बताई है इस वीडियो के जरिए, ये स्पेसिफिकली मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है जो कनाडा में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं और आगे जाकर मेहनत करके वर्क परमिट भी गेन करना चाहते हैं, और हो सकता है वो सेटल भी होना चाहे। तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर, आपकी मेहनत पर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे USA यूनिवर्सिटीज़ की, USA में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, एक बेसिक जनरल आइडिया मैं दूंगा USA का। तो होपफुली स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।